आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम वासनी है और वर्बल मैन बाय वासनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है क्योंकि ये CHSL का क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा मैं समझा देता हूँ। बच्चों को समझाना था तो आपको भी ऑनलाइन भी समझा देता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साइड BC ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। किस तरीके से बनाया, मान लो ऐसे बनाया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। इसने बोला कि जो साइड बीसी है ना उसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने कट चाहिए, तीन, एक दो और तीन, इस तरीके से चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यानी कि ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। इसमें नाम दे दिए इनकी, ये P Q R रिस्पेक्टिवली। अब इसने बोला कि ये जो AB है उसका कुछ स्क्वायर है, AQ है उसका स्क्वायर है, AR है उसका स्क्वायर है, ठीक है। और उसने बोला कि इक्वल्स टू 3B स्क्वायर प्लस 17A स्क्वायर है। अब 3B स्क्वायर, यहां पे B जो वेरिएबल है क्या होता है, आपको पता है जब अपन ट्रायंगल पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जब ये ABC होता है तो A के सामने कैपिटल ले लो इसको, A कैपिटल B कैपिटल C, तो A के सामने जो लेंथ होती है कैपिटल A के सामने लेंथ स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। तो आपको पता चल गया ये जो b लेंथ है ये एक्चुअल में ये वाली लेंथ है b, और a जो लेंथ है वो कौन सी लेंथ है, ये वाली। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला पॉइंट आंसर किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में, कोई वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि जो मेरा ट्रायंगल है वो कौन सा है, 45 45 90 वाला ले लो और ये चार साइड ले लो क्योंकि चार इक्वल पार्ट्स में है। यानी कि मैंने ले ली 1 1 1 और 1, ये पूरा 4 है और ये पूरा कितना हो गया 4√2, क्योंकि अब 45 45 90 वाले केस में क्या होता है, ये चार साइड चार साइड, ये कितना होता है 4√2। इतना क्लियर है, समझ आ रहा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को जो दे रखा है उसमें पुट कर देता हूं, AB कितना निकलेगा, अगर मैं AB निकालने की बात करूं तो √20, ठीक है, चार नहीं √17, चार चौक 16 और 1 AB। अगले वाला जो आएगा चार चौक 16 और 2 का स्क्वायर √20, उससे आप आगे चले गए तो 4 3 5, यानी कि √25, रूट में ही लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्क्वायर है। तो आप सीधा बस आंसर देखो कितनी जल्दी निकलेगा, AB स्क्वायर निकालना है मेरे को तो कितना आया 17, AQ स्क्वायर निकालना तो मेरे को कितना आया 20, AR स्क्वायर कितना आया मेरा 20, √25 का स्क्वायर लोगे कितना आएगा, हाँ बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 25 बराबर 3B स्क्वायर, इसका स्क्वायर लोगे कितना आएगा 32 प्लस 17 as it is, A का स्क्वायर, A कितना है अपना, ये तो 4 ही है ना, कितना आया अजन 16, और यहां पे मैंने कर दिया n, बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाता, कर लेते हैं सॉल्व। ये कितना है आपका, अगर आप करोगे इसको 96, यहां पे करोगे ये कितना आएगा 45 और 52 62, तो अगर मैं इधर लेके गया तो 96 में से 62 गए, 34 नेगेटिव का, और यहां पे नीचे भेज दो इसको 17 को और 16, तो कितना आया n की वैल्यू, ये काट दो 2, इसको काट दो तो -1/8 आंसर था। इससे आपको सीख क्या मिली इस क्वेश्चन से, अगर उन्होंने CHSL में दिया है पहली बात तो अच्छा क्वेश्चन बनाया, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था, यस टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप प्रेशर में पढ़ते हो, मतलब कोई पेपर दे रहे हो और बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आपको हो सकता है ये चीज स्ट्राइक ना करे, तो सबसे पहले तो आपको स्किप करना है ये क्वेश्चन। जैसे ही आपने देखा आपको लगा यार रीड करा, आपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं किया तो पहले मैं स्किप करूंगा, दोबारा आके मैं देखूंगा अगर वेरिएबल्स में है और आंसर मेरा जो है सीधा के सीधा न्यूमरल्स में आ रहा है तो आपको कुछ भी लेट करके वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। मैंने कोई भी प्रॉपर्टी वॉयलेट को नहीं करी, जब आप लेट करते हो एक चीज का ध्यान रखते हो कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं करनी, ऐसा ना हो मैं कुछ लेट कर रहा हूँ और कोई ना कोई चीज मेरी वॉयलेट हो रही है, नहीं, ठीक है। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं लेट करनी जिससे कॉन्ट्राडिक्ट करे कोई दूसरी चीज, ठीक है। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे और स्मार्ट मेथड था ये। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड।